विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की दुनिया की चीज़ों में परमानेंट खुशी नहीं है। अगर होती तो कोई भक्ति में नहीं जाता, कोई ईश्वर की खोज नहीं करता, कोई सत्य नहीं चाहता। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो कल कोई चीज़ टूट जाएगी किचन में तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, अच्छा है, टेम्पररी है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं,
सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं, स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
कुछ देर के बाद तपर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तपर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दुनिया की चीजों में परमानेंट खुशी नहीं है। अगर होती तो कोई भक्ति में नहीं जाता, कोई ईश्वर की खोज नहीं करता, कोई सत्य नहीं चाहता। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो कल कोई चीज टूट जाएगी किचन में तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, अच्छा है, टेम्पररी है। क्या इस तरह की समझ आ सकती है? यानी सभी ये चाहते हैं कि टेम्पररी खुशी ही हो दुनिया की चीजों में, और असली खुशी सत्य प्राप्त करने में ही हो। ये पता था मगर शब्दों में मालूम नहीं था। ये आपको पता था मगर शब्दों में मालूम नहीं था। आज शब्दों में मालूम पड़ा तो क्या असर होगा? घर जाकर कुछ ऐसी बातें होगी जो चीजें खुशी दे रही थी अभी नहीं दे रही। कोई पर्सन अटेंशन दे रहा था अब नहीं दे रहा। कहोगे अच्छा हुआ टेम्पररी है। वरना हम सत्य की खोज में कभी नहीं जाते। तो आते ही कुछ सवाल पूछे जागृति लाने के लिए, क्योंकि प्रवचन का अर्थ ही क्या है? परावचन। परावचन यानी ऐसे वचन, ऐसे शब्द जो परे ले जाते हैं, पराभक्ति में ले जाते हैं। पराभक्ति, बहुत तरह की भक्तियां हैं पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं, मगर पराभक्ति बहुत कम लोग करते हैं। तेज भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। परा का अर्थ है परे। अपरा भक्ति सभी कर रहे हैं, अतेज भक्ति सभी कर रहे। शराब पीने वाला भी भक्ति कर रहा है मगर अतेज भक्ति कर रहा है। वो अतेज भक्ति कर रहा है, वो भी तो चाहता है ना कि शराब के नशे में कॉन्ट्रास्ट माइंड बाजू हट जाए। वो तो यही चाहता है। रेस कोर्स में जो गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, इसका कॉन्ट्रास्ट माइंड गायब हो गया है। पहाड़ियों पर कोई पिकनिक के लिए गया है, वो भी भक्ति कर रहा है। जोर से गाड़ी ड्राइव कर रहा है तीव्र गति से, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट माइंड बाजू हट गया है कुछ समय के लिए, वो भी भक्ति कर रहा। चाहत हर एक जगह यही है कि हमारा तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट मन हट जाए, क्योंकि सेल्फ यही चाहता है। कॉन्ट्रास्ट मन के पीछे सेल्फ है, ईश्वर है, अल्लाह है, अलग अलग नाम दें, वो तो यही चाहता है कि तोलू मन हटे। तोलू मन हटे तो वो शाइन हो, वो प्रकट हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।